नमस्कार, फटाफट बुलेटिन में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है और मैं हूं आपके साथ नेहा रेड्डी। चलिए शुरू करते हैं देश दुनिया की बड़ी खबरें फटाफट अंदाज में। कोरोना पॉजिटिव मरीजों का आंकड़ा 6000 के करीब। अब तक 167 मरीजों ने इलाज के दौरान तोड़ा दम। 473 मरीज इलाज के दौरान पूरी तरह से हुए ठीक। कोरोना हॉटस्पॉट बने इंदौर में डॉक्टर की मौत। इलाज के दौरान आए थे संक्रमण की चपेट में। इंदौर में मरने वालों का आंकड़ा 23 पहुंचा। कोरोना के चलते डॉक्टर की मौत पर स्वास्थ्य मंत्रालय का बयान। गाइडलाइन का पूरी तरह पालन करें डॉक्टर और फील्ड वर्कर। हौसला बढ़ाने की जरूरत। देश में पीपीई किट पर्याप्त मात्रा में मौजूद। स्वास्थ्य मंत्रालय का बयान। गाइडलाइन के अनुसार हो पीपीई का इस्तेमाल। हाई रिस्क वाले ही क्षेत्रों में पीपीई किट की जरूरत। कोरोना से निपटने की तैयारियों में कोई कमी नहीं। स्वास्थ्य मंत्रालय का बयान। जरूरी उपकरणों समेत हाइड्रोक्सी क्लोरोक्लीन दवा का पूरा स्टॉक। इंदौर और भोपाल बुरी तरह से प्रभावित। 400 के पार पहुंचा पीड़ित मरीजों का आंकड़ा। इंदौर में सबसे अधिक मौत। खंडवा में तबलीगी जमात से जुड़े 4 लोगों की कोरोना पॉजिटिव रिपोर्ट। कर्नाटक के है जमाती। होशंगाबाद में भी 5 मरीजों की रिपोर्ट पॉजिटिव। तबलीगी जमात के चलते मध्य प्रदेश में बड़े कोरोना के मामले। बोले सीएम शिवराज, जमातियों ने तेजी से फैलाए कोरोना। नए मामलों में अधिकांश तबलीगी जमात से जुड़े। रतलाम की घटना के बाद सरकार का बड़ा फैसला। कोरोना पीड़ित मरीज की मौत पर उसी शहर में होगा उसका अंतिम संस्कार। बाहर ले जाने की नहीं मिलेगी परमिशन। मध्य प्रदेश में कोरोना से प्रभावित 18 जिलों के हॉटस्पॉट होंगे सील। सीएम शिवराज ने दिए निर्देश। आने जाने पर लगेगी पूरी तरह से रोक। कहा सबसे महत्वपूर्ण लोगों की जिंदगी। यूपी में 15 जिलों के 103 हॉटस्पॉट पूरी तरह सील। ड्रोन के जरिए रखी जा रही है निगरानी। किसी को भी घर से निकलने की इजाजत नहीं। पुलिस ने किया फ्लैग मार्च। कोरोना के हॉटस्पॉट वाले जिलों पर सरकार की पैनी नजर। बोले अपर प्रमुख सचिव गृह अवनीश अवस्थी, मूवमेंट पूरी तरह से बैन। लॉकडाउन का उल्लंघन करने पर 12,000 से अधिक पर केस। दिल्ली में कोरोना के 20 हॉटस्पॉट पूरी तरह से सील। दवा की दुकानें भी बंद। टास्क फोर्स कर रही है निगरानी। बिना मास्क घर से निकलने पर भी होगी कार्रवाई। ओडिशा में 30 तक बढ़ाया गया लॉकडाउन। मुख्यमंत्री नवीन पटनायक ने किया ऐलान। 17 जून को खुलेंगे स्कूल और कॉलेज। कोरोना चुनौती से निपटने के लिए रेलवे बना मददगार। 3200 कोच आइसोलेशन वार्ड के रूप में तैयार। भोपाल में डॉक्टरों को संक्रमण से बचाने के लिए तैयार किए खास तरह के कैबिन चरक। भोपाल में एम्स के डॉक्टर की पुलिस ने की बेरहमी से पिटाई। पीड़ित के हाथ में फ्रैक्चर। पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने उठाए सवाल। दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग। दुनिया में कोरोना पीड़ितों की संख्या 15 लाख के पार। 88,000 से अधिक की मौत। अमेरिका में लगातार बिगड़ रहे हैं हालात। शेयर बाजार में दिखाई दी तेजी। संवेदी सूचकांक सेंसेक्स में 1265 अंकों का उछाल। निफ्टी भी 363 चढ़कर हुआ बंद। फिल्म एक्ट्रेस जया बच्चन आज हुई 72 साल की। लॉकडाउन के कारण वे दिल्ली में हैं। अभिषेक ने इस मौके पर लिखा, जैसा कि हर बच्चा आपको यही बताएगा कि उसका पसंदीदा शब्द माँ होता है, हैप्पी बर्थडे माँ। सिद्धार्थ मल्होत्रा और तारा सुतारिया पर फिल्म आया मसककली 2.0 रिलीज होते ही विवादों में। ओरिजिनल सॉन्ग के कंपोजर एआर रहमान के अनुसार इस गाने को बनाने में लगी थी बहुत मेहनत। उनके ट्वीट से साफ नजर आया कि वे मसककली के रिमिक्स वर्जन से नहीं है खुश। फटाफट बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देश दुनिया के अन्य बड़ी खबरों को जानने के लिए आप सबसे पहले विजिट कीजिए webdunia.com पर। और इसी के साथ दीजिए इजाजत। नमस्कार।